Hey everyone, good afternoon and welcome back to another video. So guys, in this video I'm going to tell you that how to join Merchant Navy after 10th class. क्या Merchant Navy join कैसे कर सकते हैं after 10th? क्योंकि मुझे comments में ना बहुत सारे बंदों ने पूछ लिया कि भैया हमें बताओ कि how to join Merchant Navy. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि Merchant Navy आप कैसे join कर सकते हो after 10th और उसके मतलब basic बताऊंगी क्या क्या आपका main रहता है कि criteria क्या रहता है medical में क्या क्या check होता है फीस कितनी रहती है कॉलेज के एग्जाम इंस्टीट्यूट ड्यूरेशन कितना रहता है कोर्स ड्यूरेशन. तो चलो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं. चलो वीडियो को शुरू करते हैं फिर. You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. So guys, सबसे पहली बात अगर आपने 10th पास कर लिया है सबसे मेन आपकी परसेंटेज कि आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए साइंस और मतलब टोटल ऑल ओवर परसेंटेज एंड इंग्लिश की क्योंकि इंग्लिश इज कंपलसरी. सो सबसे पहला चाहिए अपने को कि अगर आपके मिनिमम आपको 40% स्कोर होना चाहिए आपका ऑल ओवर 10th में और मिनिमम मैथमेटिक्स हो गया साइंस हो गया तो इसमें आपको मिनिमम 40% चाहिए और इंग्लिश में और आपको 40% चाहिए मतलब इंग्लिश में भी आपको 40% रिक्वायर्ड है कि अगर आपके इंग्लिश में 40% से कम है तो यू एंड देन नंबर टू कि आपके एज क्राइटेरिया क्या रहता है. अगर आपको जीपी रेटिंग ज्वाइन करना है तो आपका एज है 17.5 साल से 25 साल 17.5 year to 25 years की आपकी एज होनी चाहिए. सो गाइस नंबर थ्री आपका मेडिकली आपको मेडिकली फिट रहना चाहिए. तो सबसे मेन है कि आई साइट आपकी वीक नहीं होनी चाहिए. आई साइट आपकी 6x6 की होनी चाहिए. कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस ना हो. नंबर थ्री आपका ब्लड टेस्ट होगा डेंटल चेकअप होता है और हार्ट रेट चेक की जाती है और कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है आपको और या फिर कोई आप डिजीज हो रहे जैसे कि आपको मतलब अस्थमा है डायबिटीज है ये सब नहीं होना चाहिए. ये सब मेडिकल में चेक किया जाता है. तो चलो उसके बाद फिर बात करते हैं इसका कोर्स का ड्यूरेशन. ये करते हैं कि इसका कोर्स ड्यूरेशन ये 6 months का कोर्स रहता है. 6 महीने में आपको प्रॉपर मतलब इंस्टीट्यूट में ही रहना है हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा 6 months. तो उसका फिर पूरा का पूरा इसमें जितना भी स्टडीज एग्जाम से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फाइनल एग्जाम वगैरह आपके जितने भी कोर्सेज होंगे सर्टिफिकेट वगैरह आपको सब इसके अंदर ही इंक्लूड मिल जाएंगे. और अब बात करते हैं कॉलेजेस की. सबसे मेन कि आप जिस भी कॉलेज में आ रहे हो सबसे मेन है कि वो आप डीजी अप्रूव्ड ही होना चाहिए. और अब डीजी अप्रूव्ड अगर आप देखो इंडिया में डीजी अप्रूव्ड मतलब 50 से 60 कॉलेज है जो डीजी अप्रूव्ड है. बट डीजी अप्रूव्ड का मतलब ये नहीं कि हाँ कि आपका सिर्फ डीजी अप्रूव्ड है. तो आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए कि हाँ जिससे आपकी 100% प्लेसमेंट हो. ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे कॉलेज है कि हाँ डीजी लिख लिया कि डीजी अप्रूव्ड कॉलेज है हाँ ओके कि आप वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले लो. बट नहीं आपको मैं आप 3 ऐसे कॉलेजेस बता रहा हूँ जो आप नोट कर देना कि जो अगर आपको जीपी रेटिंग करनी है और 100% प्लेसमेंट चाहिए तो इंडिया में 3 ऐसे कॉलेजेस हैं जो टॉप पे चल रहे हैं. तो जिसमें कि सबसे पहला आता है टीएस रहमान मुंबई में है. टीएस रहमान के बाद आता है आपका नूसी गोवा और फिर नंबर 3 पे है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिटाइम स्टडीज ये लोनावला में है. तो ये 3 कॉलेजेस हैं जिनके मतलब 100% प्लेसमेंट है. तो अब इनकी फीस बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड फीस रहती है इनकी अराउंड टीएस रहमान की 2,40,000 के आसपास ये एक्सपेक्टेड है कि ये ना बोलना कि मैंने तो इतना बताया था ज्यादा निकल गई. टीएस रहमान की 2,40,000 एंड आफ्टर दैट नूसी गोवा उसका है 1,50,000 टू 1,80,000 और ग्रेट ईस्टर्न मैरिटाइम की है 4.5 लाख. बट ग्रेट ईस्टर्न मैरिटाइम अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहले आईटीआई का डिप्लोमा होना कंपलसरी है मशीनरी में या किसी में मतलब आपको आईटीआई का डिप्लोमा कंपलसरी है. सो ये जो 3 कॉलेजेस है मतलब जो बेस्ट कॉलेज है कि हाँ आप 100% प्लेसमेंट देते हैं. पर इसके लिए आपको फिर तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि हाँ भाई अच्छे अगर आपको इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको मतलब कि अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. फिर तब इनके फिर एग्ज़ाम कैसे होते हैं ये इसके एग्ज़ाम्स में जैसे आप टीएस रहमान में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये साल में 2 बैच बैठते हैं टीएस रहमान में मतलब किसी भी जीपी रेटिंग अगर आप प्रॉपर डीजी अप्रूव से करोगे तो साल में सिर्फ दो बैच बैठते हैं. एक जनवरी में बैठता है और एक बैठता है जुलाई के आसपास. तो उसमें अगर आपको मान लो अगर आप जनवरी बैच में आपको एडमिशन लेना है बैठना है तो आपको नवम्बर में आपका एग्जाम हो जाता है कि हाँ
आप इनके साइट में जाके गूगल पे इनके टीएस रहमान की साइट ओपन कर लो और उसमें जाके देख लो कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो इनका अपना फिर कॉलेज का एग्जाम रहता है, सबसे पहले आपको कॉलेज का एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद फिर अच्छा अगर आपका अच्छा स्कोर है फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और अब ये कॉलेज क्या क्या एग्जाम में क्या क्या आता है, ये आपका सिर्फ बेसिक आएगा कि जैसे टेंथ लेवल के मैथमेटिक्स साइंस और थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा बहुत जीके। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, अगर इंटरव्यू में आपका क्लियर हो तो या फिर आप सीधा एडमिशन लेके आपका फिर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बस ये है कि आप मेन चीज जो मर्चेंट नेवी में आपको टेंथ के बाद टेंथ बेस पे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये। सो गाइस बस ये था कि आप टेंथ में जी एज अ जीपी रेटिंग आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है सब कुछ। बस इतना सा रहता है कि हाँ बस आपको सबसे पहले कि आपको अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है तो आपको स्टडी हार्ड कि मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं बहुत सारे बच्चे इन कॉलेज में जाना चाहते हैं और सीट्स लिमिटेड ही रहती है। तो इसलिए एग्जाम की तैयारी अच्छे से अगर आप टेंथ पास है या फिर आप ने कॉमर्स अगर आप कॉमर्स साइड से है अगर आप बायो से है तो अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो अगर नॉन मेडिकल में है पीसीएम है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाँ वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेन ये है कि आपको ये वाला जीपी रेटिंग अगर आपको करना है तो आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, एज लिमिट वगैरह मेडिकल वगैरह सब। तो इसलिए बस यही था कि आप हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, कि यही था कि मर्चेंट नेवी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं टेंथ के बाद एज अ जीपी रेटिंग। और जीपी रेटिंग का प्रॉपर फुल फॉर्म रहता है जनरल पर्पज रेटिंग। सो इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे, सिक्स मंथ में आपके क्या क्या पढ़ाया जाता है वो सब आने वाले टाइम पे वीडियो बनाएंगे। सो गाइस चलो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर सब्सक्राइब शेयर करना अपने दोस्तों जिसको भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है कि कैसे। तो इसलिए चलो मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। You don't see the things I see.